ओके सो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि लाइक व्हेन यू आर सोशली हेल्दी यू शुड बी एडजस्टिंग इनफ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ओके, ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट नाउअडेज पीपल हैव टेकन दिस एडजस्टमेंट थिंग ऑन देयर ईगो एंड ईगो इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू वन सेल्फ एज वेल एज फॉर ऑल द पीपल अराउंड यू. ओके, स्क्रीन पे आ जाओ सब लोग. सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सोशल हेल्थ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यू शुड बी एबल टू चेंज योर ओन बिहेवियर रादर देन एक्सपेक्टिंग अदर्स टू चेंज फॉर यू. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज समथिंग यू लर्न व्हेन यू आर इन योर पीयर ग्रुप. कि अभी जैसे स्कूल लेवल पे हो तो अपने क्लासमेट्स, बैचमेट्स, अपने फ्रेंड्स. ओके, इवन व्हेन यू गो टू कॉलेज लाइफ यू विल हैव योर बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स. फिर आगे जाके जब जॉब करेंगे तो यू विल हैव योर कलीग्स. तो सम ऑफ देम यू विल हैव अ फ्रेंडली रिलेशन, सम ऑफ देम विल बी लाइक ओनली कलीग्स, राइट? तो टू हाउ मेनी पीपल यू आर एबल टू ट्रस्ट, ये ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अंडरस्टूड दैट यू कैनॉट ट्रस्ट एवरीबडी, बट एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनीबडी एट ऑल. गेटिंग इट? ह्यूमन इंटरेक्शंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी रिलेशनशिप. अभी तुम लोग फ्रेंड्स बनाते हो, आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ हेल्दी रिलेशन रखते हैं ना? छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं क्या? यू आर ऑलवेज मोर अंडरस्टैंडिंग विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज यू नो दैट यू ट्रस्ट ईच अदर. अभी कोई दो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, एनी टू बेस्ट फ्रेंड्स ओवर हियर? एज फार एज आई नो इट इज दीक्षा एंड प्राची, राइट? फैमिली फ्रेंड्स है ना तुम लोग? हाँ, और मैं और स्नेहा, नहीं तो मैं और मृणाल, हम लोग का ऐसे ग्रुप है. यस, या कभी कभी स्टेटस में देखता हूँ मैं, पिज्जा वगैरह खा रहे थे अकेले अकेले, राइट? यस, सो दैट इज समथिंग अबाउट ट्रस्ट. कि लाइक व्हेन यू आर गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर एंड सपोज बाय चांस कि कोई थर्ड पर्सन, ओके, अभी फॉर एग्जांपल आई से जैसे स्नेहा एंड प्राची यू आर गुड फ्रेंड्स, तो कोई थर्ड पर्सन फ्रॉम समवेयर प्राची को आके बोलेगा कि स्नेहा ऐसी है, इतना इतना गलत किया, उसको कुछ नहीं आते हैं, तो विल प्राची बिलीव इट इमीडिएटली? नहीं, बिकॉज यू नो स्नेहा मोर देन हर. दैट इज समथिंग कॉल्ड ट्रस्ट. गेटिंग इट? कि लाइक व्हेन यू नो अ पर्सन एंड यू आर प्लेसिंग योर ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन, यू आर प्लेसिंग इट 100%. नो अदर पर्सन शुड बी एबल टू डैमेज दैट ट्रस्ट. ठीक है, रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, यू शुड शो दैट रेस्पेक्ट इन योर बिहेवियर ऑल्सो. ये ज्यादा जरूरी है. देर आर पीपल ऑन द अदर साइड जो दिखाने के लिए बहुत रेस्पेक्ट रहेगा बट मन में पूरा कालापन. दैट्स अगेन अ सोशली अनहेल्दी पर्सन. एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स कि दूसरा कोई है अपने पहचान में, अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, हु हैव देयर ओन सेट ऑफ लिमिटेशंस बट स्टिल यू एक्सेप्ट देम विथ रेस्पेक्ट. ये टेंडेंसी सब में नहीं होते, सब में फॉल्ट्स होते हैं ना. अगर हम दूसरों की गलतियां पिन पॉइंट करके इतना बताते हैं तो ये भी समझना है कि अपने अंदर भी उतनी ही गलतियां. वी आर ऑल्सो नॉट इक्वली परफेक्ट. गेटिंग इट? सो दिस इज समथिंग वन हैज टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्ट एवरीबडी फॉर विथ देयर ओन लिमिटेशंस. डोंट एक्यूज एनीबडी. ओके, डोंट टॉन्ट मारना, जो बोलते हैं ना लोग, ये भी आजकल बहुत करते हैं, ताना मारने का. दैट इज दिस काइंड ऑफ वे इफ यू स्पीक. ओके, ताना मार के कमेंट करना, इंसल्ट करना, in simple way something where others will not like to listen. ya koi aur agar tum log se is tarah se baat karenge to acha lagega sunne ko, nahi. so that way if you speak you are a socially healthy person. ek hindi mein aisa suna rahega na proverb ki muh se nikle hue shabd aur teer se nikla hua baan ye kabhi wapas nahi aate. Like when you speak something, you have to think a lot. Because कभी कभी गुस्से में या कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी में भी हम कुछ बोल देते हैं. Okay, and then you regret. Sometimes people don't even regret. So वो situation नहीं आना चाहिए. This is something you must learn at your age. ये सब अपने personality का part बनेगा. Getting it? Okay.
तो सोशल हेल्थ जब बोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आते हैं उसमें। एंड देर आर सम पीपल हु थिंक ऑन द अदर साइड, वो लोग क्या बोलते हैं कि मैं कुछ भी बोलेगा तो सामने वाले को बुरा लगेगा, तो इट्स बेटर आई डोंट टेल एनीथिंग, फिर हम शांत बैठे रहेंगे। दैट इज अगेन अ साइन ऑफ अनहेल्दीनेस। इफ यू डोंट स्पीक टू पीपल, इफ यू डोंट प्रिफर टू टॉक टू एनी वन, दैट इज अगेन अ साइन ऑफ अनहेल्दीनेस। इट्स बेटर यू स्पीक, बट वॉट टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक एंड विथ हुम टू स्पीक, दैट इज समथिंग यू शुड बी एबल टू डिसाइड। यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विथ एवरीबडी, यस और नो? तो लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएंगे वेयर दीज थिंग्स विल बी यूजफुल, राइट? तो दिस इज नॉट एक्चुअली बायोलॉजी एज सच, बट ये इंपॉर्टेंट है इवन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अभी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में एक एग्जाम्पल देता हूँ। इन अवर ब्रेन देर इज अ स्मॉल ग्लैंड, ओके? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल ऑफ यू आर अवेयर, राइट? उसी के नीचे एक और ग्लैंड है विच इज नोन एज द पीनियल ग्लैंड, PINEAL। पीनियल ग्लैंड, उसमें से दो हॉर्मोन्स आते हैं। वन ऑफ द हॉर्मोन्स इज नोन एज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम बोलते हैं फील गुड हॉर्मोन, कॉमनली उसको बोलते हैं फील गुड हॉर्मोन। इट्स लाइक ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग सम और द अदर हॉबी। जैसे कल ही मुझे पता चला स्नेहा को कुकिंग बहुत पसंद है एज अ हॉबी, राइट? सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विच यू रियली लव टू डू, सो दैट टाइम यू फील हैप्पी, है ना? यस स्नेहा, इतना अच्छा डिश बनाई थी तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इट यू फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट, करेक्ट? सो दैट टाइम तेरे पीनियल ग्लैंड में से सेरोटोनिन का सेक्रेशन ज्यादा निकला। When you're doing something which you really like to do, there is more secretion of serotonin from the pineal gland. And uske wajah se kya hota hai? Physically I'm talking, uske wajah se there is a very good improvement in your BMR. BMR stands for basal metabolic rate. That means body ke sare organs and organ systems, they start functioning better. स्क्रीन पे लिखो ना, मैं सब ये कर लूंगी, लिख लूंगी। ओके, सी आई एम टॉकिंग अबाउट पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन, ओके? दिस पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस टू हॉर्मोन्स। यस प्रणव सर, डोपामिन वाज द फील गुड हार्मोन, नो? डोपामिन इज आल्सो वन ऑफ द अदर फील गुड हॉर्मोन्स। डोपामिन को एक्चुअली बोला जाए तो लव हॉर्मोन बोलते हैं, ओके? कि दैट्स अ डिफरेंट सेंसेशन ऑल टुगेदर व्हेन अ पर्सन फॉल्स इन लव, उस टाइम पे बोला जाता है कि डोपामिन रिलीज होते हैं। सो दैट इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू, इट विल कम लेटर, अभी रहने दो। तो डोपामिन करके एक हॉर्मोन है वो, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉर्मोन कॉल्ड सेरोटोनिन, ठीक है? सेरोटोनिन इज इन जनरल अ फील गुड हॉर्मोन। The other one is melatonin, वो skin pigmentation के लिए, okay? Then दूसरा जो मैंने बताया, this is serotonin, which is also called feel good hormone, okay? And दूसरा है dopamine, which is called as the love hormone, ठीक है? So most of the Bollywood songs will be able to explain about dopamine better, ठीक है? And dopamine का एक और but sir, I've also heard that when you take a bite of your favorite food, dopamine is released. That is not love, but dopamine secretion के लिए वो improve करता है, but dopamine का जो expression है, that is more in this emotional aspects. So dopamine, serotonin, both are actually considered as feel good hormone. जैसे मैंने सुना है कि chocolates, for example. Chocolates and dark chocolates when you consume, they can help to release more of dopamine. Okay, and it is also known as love. Ke saath saath, it is also called as the hug hormone. That means when two people embrace each other. So that warmth of somebody's good touch, that also helps to release more of dopamine.
तो कहीं ना कहीं दोनों सिक्रेशन सिमिलर है बट डोपामिन का रिलीज पॉइंट अलग है, दैट इज इन द चेस्ट रीजन, इन द हार्ट एंड पेन. सेरोटोनिन इज फ्रॉम द ब्रेन. तो मतलब यू कैन इमेजिन कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन मैमल्स में जब ह्यूमंस बींग्स इवॉल्व हुए तो ये सारी चीजें भी इवॉल्व हुए. एंड यू सी द प्राइमेट्स, एप्स, चिंपैंजीज एंड ऑल, उनमें भी देखो सोशल बिहेवियर कितना अच्छा है. मंकीज वगैरह में भी देखो, दे हेल्प ईच अदर लाइक एनीथिंग एंड दे हैव इमोशनल टेंडेंसीज ऑल्सो. कि कोई यंग वन है उनका तो किसी रीजन से डर गया तो द एडल्ट्स विल कम एंड दे एम्ब्रेस देम, उनको शांत करेगा. दिस थिंग्स यू फाइंड इन सच प्राइमेट्स. तो एवोल्यूशन में बिकॉज ऑफ दिस हॉर्मोनल एवोल्यूशन वी आर एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस. That's why mammals and including human beings, we are socially interactive animals. We must interact with each other socially so that we grow together better. The species survival point of view dekha gaya. Getting it? So loneliness is not the solution. Ye samajhna hai sabko. Because generally bahut tendency dekha hai maine aajkal ke youngsters mein ki like it's better ki main akele rahun. क्योंकि मुझे कुछ बात नहीं करना है, कोई मुझे समझेगा नहीं, ऑल दीज नॉनसेंस टेंडेंसीज. ओके, सो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड नेवर एवर ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ, दोनों डेंजरस है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज, अभी सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग इट कैन बी मेंटल स्ट्रेस. तो अभी तुम लोग बताओ क्या क्या रीजन है तुम लोग का मेंटल स्ट्रेस होने का. बोर्ड. ओके, बोर्ड एग्जाम्स. आनंदिता, व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉज यू मेंटल स्ट्रेस? नथिंग, नो मेंटल स्ट्रेस. सर, व्हेन पेपर्स कम नियर, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. ओके, दैट्स अ गुड आंसर. प्रणव, what are the things that can cause you mental stress? Jobs, earnings, studies. Yeah, jobs. Okay, Prachi, mental stress kis wajah se hote hain? Career. Okay, and Gargi, what you said, when papers come near. अच्छा इंग्लिश बोलना. पेपर्स कम नियर क्या होते हैं? यू शुड से व्हेन द एग्जाम डेट्स आर नियर. दैट साउंड्स बेटर, राइट? थोड़ा इंग्लिश सीखो प्लीज, लर्न प्रॉपर वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, सो ऑल दिस आंसर्स व्हिच यू सेड एट योर एज दे आर परफेक्ट. ओके, कि सबसे ज्यादा अपने को तुम लोग के एज में क्या टेंशन होता है, व्हेन एवरीथिंग एल्स इज स्टेबल, दैट टाइम द मेजर स्ट्रेस व्हिच यू ऑल आर गो थ्रू इज your studies, your exams, and obviously your career. And that confusion is obvious. Because at this stage, you are still deciding ki kya career banana hai, kisme jana hai, apne aapko 15 saal baad, 10 saal baad kaise imagine karte ho. Right? These are the questions which will always bog you down. And usme problem kaise badhta pata hai? When your extended family, when your neighbors and all this start speaking. The actual problem is that one. When people will start bombarding you with their own thoughts. कि बेटा ये कर, ये करियर में जा, इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत स्कोप है, ये मत कर, इसमें कुछ नहीं है. All of you experience this? No. Not at all? No. What about others? Yes. Yes. थोड़ा सा, उतना भी नहीं. थोड़ा सा, चलो तो good to see some improvement in this generation. Because मेरे टाइम पे तो ऐसा था. You won't believe, sir. हाँ. बोल. My mom used to say that कि this farming ही कर, वो बड़ा अच्छा रहता है. तो अच्छी बात है ना. That's a good suggestion. Peaceful. Yeah. And that's a very understanding aspect I must say. क्योंकि आज के जमाने में ऐसा हो गया है, इतना mental stress हो गया है, competition हो गया है, cutthroat competition. So more than jobs and money, what people are looking out for is peace of mind. Ultimately, सुकून से जिंदगी जीना है बस.
पैसे थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल जाएगा, बट यू एंटर इनटू अ रैट रेस एंड यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, ये सब बिगाड़ने से बेटर है कि रिलैक्स करो, एंड फार्मिंग इज अ गुड थिंग। उसने तो मन में प्लान्स भी बना लिए थे कि इजराइल वगैरह जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करना वगैरह वगैरह। अरे 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 ओके सी वन थिंग आई मस्ट टेल, पेरेंट्स जो भी सोचते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव गुड कंसर्न फॉर ऑल कि अपने अपने बच्चे बराबर से सेटल हो जाना चाहिए, यही सोचकर बोलते हैं। बट करियर के मामले में आई विल टेल यू वन थिंग, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द डिसीजन, टेक सजेशंस फ्रॉम एवरीबडी, लेट देम टेल, बट सब कुछ सोचने के बाद हमें क्या करना है ये हमें डिसाइड करना है, लेट नो वन एल्स टेक द डिसीजन फॉर यू, इट कैन बी एनी फील्ड, ओके, बिकॉज अपना 100% किस में देने को मिलेगा ये तुम लोग खुद समझ सकते हो, नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके, एंड पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं उसमें तो देन यू आर रियली लकी अबाउट इट, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि देर आर स्टूडेंट्स हू आर रियली गुड एट वन सब्जेक्ट एंड दे आर रियली गुड विथ थिंग्स बट दे आर इन टू सम अदर फील्ड। जैसे 2-3 years बैक वन ऑफ माई स्टूडेंट्स शी वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन बॉटनी प्लांट्स, एंड मेरे बॉटनी के स्टूडेंट्स से ज्यादा प्लांट्स का नॉलेज उसको था, बट वेन इट कम्स टू ग्रेजुएशन शी टुक अप केमिस्ट्री। द रीजन इज उसके मॉम ने बोला बॉटनी नहीं लेना केमिस्ट्री में बहुत स्कोप है करके, सो दिस थिंग शुड नॉट हैपन। शी हरसेल्फ टोल्ड मी कि उसको बॉटनी बहुत पसंद है एंड शी इज मिसिंग द सब्जेक्ट वेरी मच, तो मैंने बोला कि देन व्हाई डिड यू नॉट स्पीक अप, व्हाई डिड यू गो इनटू सच अ सब्जेक्ट वेर यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट इज समथिंग यू शुड बी एबल टू कन्विंस, राइट। एंड यहाँ पे देखो मेंटल स्ट्रेस जब हम बोलते हैं, सी करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट बिजनेस ये सब तो है ही, इट इज फॉर एवरीबडी, ओके, नोबडी इज सिक्योर एज सच। वो एक जनरेशन था व्हेन पीपल इमीडिएटली यूज्ड टू गेट द जॉब्स एंड ऑल एंड दे बहुत जल्दी सेटल हो जाते थे, आराम से लाइफ जीते थे, बट अभी सिचुएशन टोटल डिफरेंट हो गया है, एंड स्पेशली आफ्टर दिस कोरोना थिंग थिंग्स हैव बिकम टोटली अनसर्टेन नाउ। अभी तो कितने सारे लोगों के जॉब चले गए, यू आर अवेयर अबाउट दैट, राइट, कि जो जॉब करते थे इवन बिजनेस भी करते थे तो कितना सडन लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉजिंग मेंटल स्ट्रेस, करेक्ट। तो स्पेशली अभी मैं देख रहा हूँ कि 11th स्टैंडर्ड का जो एडमिशन्स है दिस ईयर 11th स्टैंडर्ड में देर आर अबाउट 30% सीट्स विच आर स्टिल वेकेंट, नोबडी हैज टेकन एडमिशन। कि एक टाइम था जब हम कंपटीशन के बारे में बोलते थे कि स्टूडेंट्स सोचते थे मुझे सीट मिलेगा कि नहीं, अभी 30% खाली पड़ा हुआ है, एनी बडी कैन गो एंड टेक एडमिशन, ये सिचुएशन आ गया, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑल विच पीपल हैव गॉन थ्रू, कि बहुत लोगों ने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दिया, दिस इज अ ह्यूज सेटबैक एंड ये आगे तक प्रॉब्लम होने वाला है। तो एज फार एज दिस करियर एजुकेशन एंड ऑल आर कंसर्न, ये मेंटल स्ट्रेस अलग है, तो देयर दैट इज ऐसे सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है फैमिली सपोर्ट, कि लाइक सच कंडीशंस इवन पढ़ाई को लेकर भी जब भी एकदम स्ट्रेस हो जाता होगा तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू रिलैक्स एंड यू रिजुविनेट योरसेल्फ। तो अभी बोर्ड एग्जाम्स भी है तो बर्डन नहीं लेना है पढ़ाई को लेकर, डू इट कंसिस्टेंटली तो एंड में यू विल फील गुड अबाउट इट, अदरवाइज लास्ट डे में सब एक साथ लेके बैठोगे तो देन यू नो व्हाट विल हैपन, दैट शुड नॉट हैपन। इसीलिए अभी एटलीस्ट इन माय केस आल्सो मैं साइंस 2 का जो है टॉपिक्स ले रहा हूँ, तो आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक एक लेसन थोड़ा थोड़ा करते ही जाओ ना। तो अभी जो लोगों ने कंसिस्टेंटली किया है अच्छे से, नाउ यू नो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट साइंस 2, इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स दैट यू गेट इन माय पेपर, उसमें कम आता होगा चलेगा, बट एटलीस्ट तुम लोगों ने थोड़ा तो पढ़ा है, थोड़ा तो आंसर्स लिखा है, यू रियलाइज योर मिस्टेक, तो अगेन व्हेन यू विल राइट द सेम आंसर्स यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, दैट्स द वे टू प्रैक्टिस। बट देर आर सम ऑफ यू, तुम लोग के बैच में ही है जिन्होंने स्टार्टिंग से मेरा कोई भी टेस्ट लिखा ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं किया है, नेवर बॉदर्ड अबाउट इट, तो आई कांट हेल्प इट, एट द एंड दे आर गोइंग टू फेस इट, गेटिंग इट,
सो दैट इज कॉल्ड मेंटल स्ट्रेस. कि मेंटल स्ट्रेस को हम लोग काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं बाय मैनेजिंग द स्ट्रेस. टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, टेक थिंग्स इन योर स्ट्राइड. एंड यहाँ पे दिस मेंटल स्ट्रेस इज एक्सप्लेन्ड फ्रॉम एडोलेसेंस पॉइंट ऑफ व्यू. कि एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स दे हैव देयर ओन डिफरेंट स्ट्रेस, एस्पेशली इन अवर कल्चर. अपना जो ब्रिंगिंग अप है पेरेंट्स का, ये भी टेंडेंसी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है. अभी अभी थोड़ा सा बेटर हो रहा है सिचुएशन, बट इन सम केसेस द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, एस्पेशली फॉर द गर्ल्स. ओके, बचपन से ही बोला जाता है कि लाइक एनीवेज पढ़ाई करके क्या करना है, शादी करके जाना है, ऐसा वैसा करके चलते हैं. करेक्ट, इन मेनी फैमिलीज दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग. एंड बॉयज के लिए बचपन से एक प्रेशर रहता है कि लाइक क्या कमाएगा तू, क्या अपने फैमिली को खिलाएगा. दीज आर द प्रॉब्लम्स विच बॉयज जनरली हैव टू फेस. ओके, तो ये बचपन से एक स्ट्रेस बन जाते हैं. ओके, तो बचपन से अगर सपोज स्कूल लेवल पे स्कूल के एग्जाम्स में मार्क्स कम आने लगे, तो पेरेंट्स कहाँ तक बोल देते कभी कभी कि ऐसे मार्क्स आते रहेंगे तो लाइफ में क्या करेगा एंड ऑल. यू हैव सीन द मूवीज लाइक तारे जमीन पर, कितना अच्छा मूवी है देखो, है ना. दैट बॉय वॉज डिसलेक्सिक. ओके, बट उसके फादर का क्या एटीट्यूड दिखाया गया उस मूवी में, बट देयर वॉज वन टीचर हु अंडरस्टूड हिज सिचुएशन. तो उसमें बताया गया कि पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड होता है जनरली. उसके प्रॉब्लम को ना समझते हुए डायरेक्टली सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू सोचने लगा. सो दैट कॉजेस मेंटल स्ट्रेस. एंड देन देर आर अदर सोसाइटल प्रॉब्लम्स. ओके, जैसे यहाँ पर दिया है कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स लाइक टीजिंग एंड मोलेस्टेशन. ओके, दिस इज मोर फॉर द गर्ल्स, बट नाउअडेज इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द बॉयज ऑल्सो. ओके, टीजिंग एंड मोलेस्टेशन मतलब जनरली अभी बॉम्बे जैसे सिटी में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, fortunately here it is much better, but in many other places paper में सब पढ़ते रहेंगे कितना सारा crimes वगैरह हो रहे हैं. करेक्ट, तो बहुत सारे दूसरे जगहों पर लाइक gang rapes होते हैं, acid attacks होते हैं. ओके, sexual assaults are there. All these problems are something which are increasing like anything, and there are laws in place to catch the culprits and to take action. But you know very well कि कई बार judiciary इतना time लगा देते हैं कि दैट बिकम्स अनदर मेजर प्रॉब्लम फॉर द फैमिली. एंड मेनी अ टाइम्स केसेस क्या हो जाते हैं कि इस तरह से द कल्प्रिट हु इज इन्वॉल्वड इज विद इन द फैमिली, समबडी फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ. तो ऐसे केस में द क्राइम डजंट कम आउट ऑल्सो. पेपर में सब पढ़ते रहेंगे ऐसा भी क्राइम्स होते हैं कि दे डोंट फील द नीड टू रिपोर्ट, और ऐसे केस में क्राइम बढ़ जाते हैं. द कल्प्रिट गेट्स एन एनकरेजमेंट कि कंप्लेन किसी ने किया नहीं तो और करेंगे. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट हैपन. सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड फॉर दैट अगेन फैमिली सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट. इसलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि एटलीस्ट फॉर पीपल ऑफ योर एज कि यू शुड हैव एन ओपन कम्युनिकेशन विथ योर पेरेंट्स. कि उनसे कुछ छुपाओ मत. Whatever good and bad things which you all are going through in daily life, apne studies ko lekar, friends ke bare mein, okay, your parents should be aware about them. That is very, very important. Even suppose aisa koi situation aa jata hai where unintentionally, unknowingly, you do something wrong and then you fall into some problem, still remember you should trust your parents and tell that on your own. कि मुझे पता नहीं था मैंने ऐसा मिस्टेक कर दिया, अभी ऐसा प्रॉब्लम हो गया. ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट्स विल सपोर्ट इन दैट वे ऑल्सो. बट प्रॉब्लम से बचने के लिए और प्रॉब्लम मत क्रिएट करो. दैट विल इंक्रीज द प्रॉब्लम फॉर यू एंड योर पेरेंट्स बोथ. ऐसे केसेस में वो भी हुआ है बहुत. ओके, सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स जो बोलते हैं उसको सुनना. एडोलेसेंस में जनरली ये भी हो जाता है कि पेरेंट्स का भी सुनने का मन नहीं करते. ऐसा लगता है कि लाइक क्यों इतना बोलते हैं वो ऐसा करके. आई हैव सीन स्टूडेंट्स लाइक दैट आल्सो. इवन अभी तुम लोग तो 10th में, इवन 7th 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी वही बोलते हैं. पेरेंट्स बोलते तो अच्छा नहीं लगते. दिस थिंग शुड नॉट हैपन. व्हाटएवर द पेरेंट्स से विल ऑलवेज बी फॉर योर गुड. उसको अच्छे से समझना है, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड इम्प्रूव. अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का हमेशा कोशिश करना चाहिए. ओके, देन ऑन द अदर साइड जैसे आज के पेपर में भी दिया है बहुत सारा आर्टिकल, यू शुड गो थ्रू इट. देर आर मेनी फाइनेंशियल फ्रॉड्स विच आर टेकिंग प्लेस.
फाइनेंशियल फ्रॉड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल फ्रॉड? स्टीलिंग मनी. या सी, पहले कैसा होता था, स्टीलिंग मनी के लिए रात के अंधेरे में छुप छुप के चोरी छुपे घर के अंदर आते थे और कहीं से तिजोरी से चोरी छुपा पैसे चुरा के जाते थे. अभी लोगों को इतना मेहनत नहीं करना पड़ते. ओके, नाउ यू हैव अ वेरी डेंजरस थिंग विथ यू, दैट इज योर मोबाइल फोन. कि अपना पूरा कुंडली, अपना जान उसमें अटका हुआ रहते. तो योर अकाउंट डिटेल्स, योर पासवर्ड्स, योर ईमेल्स, राइट, योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑल दिस डिटेल्स आर स्टोर्ड. तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जनरली ये सब कभी सेव मत करके रखो. इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी ये हैकिंग. ओके, यू आर अवेयर अबाउट हैकिंग, साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं. कि लाइक एनीबडी फ्रॉम एनी रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दे कैन एक्सेस योर डिवाइस. ओके, दे कैन एक्सेस योर डिवाइस वेरी इजीली. ठीक है, एंड तुम लोग का सारा इंफॉर्मेशन उसमें से चुरा लेंगे. तो देर आर केसेस विच हैव हैपेंड, पेपर में हर दिन पढ़ने को मिलते हैं कि किसी का एटीएम कार्ड चोरी हो गया, किसी का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, या बिना चोरी हुए भी सब अपने पास है, अपने हाथ में रखा हुआ है, स्टिल पीपल आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम योर अकाउंट. कि कहीं ना कहीं से उनको अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स मिल गया, अपना यू हैव दैट पासवर्ड या पिन, है ना. इसलिए आरबीआई अपना एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना कि अपना पासवर्ड या पिन कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है. नेवर एवर डू दैट. दीज आर द थिंग्स विच यू शुड अंडरस्टैंड. अभी एट योर एज, लाइक आई एम श्योर कि लाइक तुम लोग के पास किसी के पास तो एटीएम कार्ड वगैरह रहेगा नहीं. ऑल दोस थिंग्स योर पेरेंट्स मस्ट बी मैनेजिंग, राइट. बट इन द फ्यूचर व्हेन यू विल हैव ऑल दिस, दीज आर द थिंग्स यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ. कि लाइक इट्स बेटर. अभी ट्रांजेक्शन वगैरह ऑनलाइन भी करना कितना आसान हो गया. 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद फास्ट मनी, कि 15-20 रुपए पे अगर किसी को देना हो तो इमीडिएटली मैंने जी पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, भीम यूपीआई कर दिया. सो ऑल दिस थिंग्स बिकम कम अंडर द सर्वेलेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्रॉड्स एंड देन दे स्टील मनी फ्रॉम योर अकाउंट. एंड इसलिए और एक चीज क्या एडवाइस करते हैं कि अपना जो भी अकाउंट रहेगा बैंक में, एक ही अकाउंट में बहुत सारे पैसे मत रखो. इट्स बेटर यू मेक मोर देन 2-3 अकाउंट्स एंड सब में थोड़ा थोड़ा रखो. सो दैट बाय चांस, विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट, विदाउट योर नोइंग, इफ यू फॉल इनटू द प्रे ऑफ सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स, तो बहुत सारे पैसे को लॉस नहीं होगा. दैट इज अनदर सेफ वे. ओके, हर तरह से अपना कोशिश तो करना ही है. तो ये सब पेपर में पढ़ो आर्टिकल्स. या बोलो. बट फ्रॉड अगर हुआ कुछ और विद इन 3 डेज बताया तो वो बैक ले. या देयर इज अ व्हाट यू कैन से प्रोविजन कि इमीडिएटली ऐसे कुछ फ्रॉड अगर हुआ तो अपने बैंक को रिपोर्ट करना है. दे विल गिव यू वन लेटर और अ रिसिप्ट कि ऐसा ऐसा हुआ है करके. एंड देन इट इज द बैंक्स लुकआउट कि अपना आरबीआई को रिपोर्ट करके योर अमाउंट विल कम बैक टू यू. और नहीं हुआ ना तो बैंक को पे करना पड़ता है. पे करना पड़ता है, यस. इसलिए मतलब ये अवेयरनेस देना जरूरी है. नाउ यू सी इन ऑल दिस टीवी शोज आल्सो, दे बार बार अवेयरनेस आते रहते हैं कि ऐसा कुछ अगर हुआ है तो प्लीज रिपोर्ट इट. जनरली क्या हो जाता है ना कि कुछ केसेस में पीपल दे देमसेल्व्स अलाउ द फ्रॉडस्टर्स टू स्टील देयर मनी. कि अचानक से कोई बैंक के नाम से फोन कर दिया कि मैं ऐसा ऐसे बैंक से बोल रहा हूँ, आई नीड योर पासवर्ड या ओटीपी ताकि मैं ऐसा ऐसा कर सकूँ, तो इनोसेंटली लोग दे देते. बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर लाइक दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर अनअवेयर. स्पेशली गाँव में वगैरह जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों को फंसाना बहुत आसान है. दोज हु आर अवेयर दे डोंट गिव. कोई भी अपना पासवर्ड वगैरह फोन पे कभी नहीं देते, बट देर आर पीपल हु गिव एंड इसके वजह से फ्रॉडस्टर्स आगे बढ़ते हैं. तो वो लोग घबरा जाते हैं कि मेरा गलती की वजह से मेरा पैसा चला गया, तो वो रिपोर्ट नहीं करते जाकर. इसलिए बैंक हमेशा बोलते हैं कि लाइक इन एनी केस इफ यू आर लूजिंग योर मनी यू शुड इन्फॉर्म द बैंक. और भी कितने सारे केसेस होते हैं, लाइक आजकल तो इतना बढ़ गया बिकॉज अभी कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया ना, तो मेनी पीपल दे हैव टर्न इन टू दिस नेगेटिव वे ऑफ अर्निंग.
ऐसा भी सिचुएशन हुआ है, उसके वजह से ये केसेस और बढ़ने लग गए. ओके, सो देयर इज नो एंड टू दिस डिस्कशन. सो दैट इज व्हाई वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि अपना हार्ड अर्न्ड मनी है तो बहुत संभाल के बचा के रखो. एंड अकाउंट वगैरह में भी रहेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकाउंट इज स्टैग्नेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, या नॉट इवन चेकिंग द बैलेंस, या नॉट यूजिंग द कार्ड. तो कहीं ना कहीं जाके ना उसको यूज करते रहो, थोड़ा 2-3 हज़ार उसमें से निकाल के यूज करो, कुछ ट्रांजेक्शन करो और एड समथिंग टू इट, या उसमें से कोई दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करो. डू कीप ऑन डूइंग समथिंग. एंड दूसरा और एक चीज बोला जाता है कि अपना पासवर्ड बदलते रहो, डोंट कीप द सेम पासवर्ड. एंड पासवर्ड को इतना मजबूत रखना है कि नोबडी विल बी एबल टू गेस इट. इसलिए बोलते हैं ना कि स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर एंड सम पंक्चुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सबका मिलाकर एक पासवर्ड बनाना चाहिए. सो दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है वेर यू कैन सेव योर मनी. बट ऑन द अदर साइड पैरेलल इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं कि क्रिमिनल्स आर ऑल्सो वेरी टेक सेवी, उनको अगर इच्छा रहेगा तो वो कैसे भी करके फ्रॉड कर ही देंगे. इसलिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई योर बेस्ट टू प्रिवेंट, एंड इफ एट ऑल यू फॉल प्रे विक्टिम टू ऑल दिस थिंग्स, यू शुड नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट. तो ये सब क्राइम्स बढ़ने लगे हैं, राइट. एंड यू शुड नॉट एनकरेज. अभी कितने सारे तो फॉल्स कॉल सेंटर वगैरह बन गया था कि कॉल कर करके लोगों का डिटेल्स निकालने का, एंड इमीडिएटली, एंड दे डू इट सो फास्ट दैट यू डोंट इवन कम टू नो. इधर मैंने फोन पे किसी को ओटीपी दिया एंड विद इन 2 सेकंड्स माय अकाउंट इज गॉन. सो दैट समथिंग्स हैपेंस एवरी डे, यू सी दिस आर्टिकल्स इन द पेपर. तो ये बहुत डैमेजिंग है बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर एंटायर सेविंग्स इन वन गो. तो ये संभाल के रखना चाहिए, करेक्ट. ओके, देन इट विल बी अबाउट एडिक्शन एंड दिस ऑल्सो यू नो वेरी वेल. जैसे हमने एडोलेसेंस वगैरह में डिस्कस किया था कि ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस वन शुड बी अवॉइडिंग, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. ओके, स्पेशली क्या हो जाता है कि एडोलेसेंस में फ्रॉम अ स्कूल लाइफ यू गो टू कॉलेज लाइफ, सो द फ्रीडम लेवल इंक्रीजेस. सो इफ यू फॉल इन टू बैड कंपनी दैट टाइम, दैट इज वेयर योर लाइफ चेंजेस. एंड कुछ एडिक्शंस ऐसे रहते हैं वेयर इट्स लाइक इट्स नॉट पॉसिबल टू कम आउट ऑफ इट, एटलीस्ट इन द यंग एज. तो पीयर प्रेशर इतना बढ़ जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में आ जाते हैं. ओके, स्पेशली ड्रग्स वगैरह को तो इतना प्रॉब्लम है कि लाइक दे टर्न वेरी वायलेंट व्हेन इट कम्स टू ड्रग्स. तो ड्रग्स वाले तो लाइक बहुत एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं. यू सी ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम्स दैट हैपन, राइट. देन टोबैको, सिगरेट एंड ऑल, यू नो वेरी वेल क्या क्या उससे हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है. इट कैन हैव इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स ऑन मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सो दैट इज वाई साइंस बैकग्राउंड से यू नो कि वॉट आर द प्रॉब्लम्स, सो वन शुड रियली अवॉइड दैट. एंड आजकल तो इन सब के अलावा और एक एडिक्शन आ गया है, वो है एडिक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एडिक्शन टू ऑनलाइन गेमिंग, है कि नहीं. ये भी बहुत ज्यादा हो गया, एक तरह से एडिक्शन ही है वो. ओके, सोशल मीडिया का एडिक्शन कि मैंने एक फोटो डाल दिया तो बार बार देखते रहना है कि मुझे कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर्स है, कितने सब्सक्राइबर्स है. सो दैट एडिक्शन ऑल्सो शुड बी अंडर लिमिट. ओके, बिकॉज उसके वजह से यू आर लूजिंग आउट ऑन योर प्रोडक्टिव टाइम. ऐसे टाइम पे द थिंग्स दैट यू ऑल आर सपोज टू डू इज समथिंग विच यू लर्न एंड समथिंग विच विल एड टू योर प्रोडक्टिविटी. ये नॉनसेंस चीजें करने का कोई मतलब नहीं. टू सम एक्सटेंट सोशल मीडिया एंड ऑल इज गुड, इन्फॉर्मेटिव है तो अच्छा है, बट उसको कितना यूज करना है वो अपने हाथ में, ठीक है. तो एडिक्शन कैन बी ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स. ओके, तो ये सब भी सोशल हेल्थ में इंक्लूड होगा. ओके, सो आई थिंक द टाइम इज अप, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है. वी विल कंटिन्यू द लेसन फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम, एंड 1 or 2 टर्म्स में ये लेसन भी हो जाएगा अपना फिर, ठीक है. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग लेसन, क्वाइट जनरल, एंड बाद में इसके बारे में क्वेश्चंस भी देखते हैं कि इफ यू कम अक्रॉस समबडी हु इज इनटू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देन व्हाट विल यू डू, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं. तो कैसा लग रहा है लेसन, थोड़ा रिलैक्सिंग आफ्टर दिस बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल, यू नो. यस, ठीक है. ओके, सो विल स्टॉप हियर. संडे को तैयार रहो, छोटा सा टेस्ट, एवरीबॉडी शुड बी राइटिंग इट. यस आनंद, कहां तक है?
सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गन डोनेशन तक ऑर्गन डोनेशन तक यस ओके द फर्स्ट थ्री पेजेस ऑफ द लेसन एवरीबॉडी प्रिपेयर दैट वन पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा ना लाइक हां ये तो छोटा सा रहेगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रखूंगा मैं ओनली शॉर्ट आंसर्स है ठीक है सो प्रिपेयर दिस थ्री लेसंस प्रॉपरली थ्री पेजेस सॉरी ठीक है चलो बाय एवरीवन टेक केयर गुड नाइट बाय